हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़वा कम्युनिकेशन सिस्टम। सो कम्युनिकेशन सिस्टम रो डेफिनेशन हूँ सिस्टम्स डिजाइन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इनफॉरमेशन। जमीक ये आम देखिपे इनफॉरमेशन गोटे सोर्स अच्छे और इनफॉरमेशन सिंक अच्छे मैंने जोटि इनफॉरमेशन जीव आ मझे देखुचे जो आरो मार्क अच्छे से कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम ही इनफॉरमेशन सोर्स रु ट्रांसफर करके आ गोटे जगह को सिंक को पठाई थाए। तो सहीटा को आम डायग्रामेटिकली देले तापर आम देखा एक्जाक्टली यार ब्लॉक डायग्राम देखा कौन केमती हो जिनसा कम्युनिकेशन सिस्टम टा। प्रथम है इनफॉरमेशन सोर्स, मुझे ये इनफॉरमेशन सोर्स मो वॉइस सिग्नल टे क्रिएट करुच्चे जोटा कि मोबाइल फोन तुम कथा हो। तो मोबाइल फोन रही मोबाइल फोन टाक ये मुझे कहबी कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट पार्ट करुच्चे देख केमती हम इनफॉरमेशन सोर्स मुझे क्रिएट कली जोटा कि इलेक्ट्रिकल इन नेचर नुह ताकु इलेक्ट्रिकल इन नेचर को कन्वर्ट करने मत गोटे ट्रांसड्यूसर दरकार पड़ो। कौन दरकार पड़ो ना ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर करे कौन ना इट चेंजेस द टाइप ऑफ सिग्नल। टाइपटा बर्तमान मो वॉइस टाइपटा गोटे एनालॉग सिग्नल थिला किंतु सेटा को से इलेक्ट्रिकल सिग्नल करदेव सेटा को ट्रांसड्यूसर कह जाए। कौन कह जाए ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर सेटा को वर्तमान मु या परे यूज करी ठीक अच्छे। इनफॉरमेशन सोर्स रु इनफॉरमेशन क्रिएट है बर्तमान इनफॉरमेशन टा जोटा क्रिएट है इलेक्ट्रिकल नुह ताकु इलेक्ट्रिकल मत कन्वर्ट कर प्रथम स्टेप होची मोर ताकु इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर ठीक अच्छे। तो मत ये गोटे ट्रांसड्यूसर हेल्प दरकार पड़ो तापर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगा मुझे भावी केमती आपको नेक्स्ट जो जोटी मत पठेबार अच्छे मुझे पठेबी केमती पठेबी ठीक अच्छे। तो सेठी इनपुट ट्रांसड्यूसर आसीगला। इनपुट ट्रांसड्यूसर काम कौन ना से गोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल करदेला इनफॉरमेशन सोर्स बर्तमान इनपुट ट्रांसड्यूसर ये फोन है गोटे ट्रांसड्यूसर फोन में माइक अच्छी ना आम माइक चित्र भी देखिए। तो माइकटा को आम ट्रांसड्यूसर कहे माइकटा आम वॉइसटा को गोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल करदेला बर्तमान ये गोटे तार देखि भी जापर आंड मोबाइल कम्युनिकेशन बिना तार रे जीव बिना तार गले वायरलेस कहो आउ तार रे गले वायर कम्युनिकेशन कहो वायरलाइन कम्युनिकेशन। किंतु वर्तमान आम वायरलेस भी देखा वायरलाइन देखा जोटा तार यूज हो ठीक अच्छे। तो वर्तमान कौन है ना यहाँ इनपुट ट्रांसड्यूसर लगे इलेक्ट्रिकल होगा किंतु यहाँ जीव केमती आउ गोटे बाट को जी बाट को डिस्टेंस जावाक आपको टी पावर दरकार बुझिपार्चु ना नहीं पावर दरकार माने कौन ए सिग्नल स्ट्रेंथ रे बढ़ाई दबा बढ़ाई देले से टिके ट्रैवल करी जाई परबो। तो सेथिपे गोटे प्रोसेस मन रख मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन हाँ मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस टू एनहांस टू इनक्रीज बढ़ेबो कौन ना स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। तो वर्तमान यार स्ट्रेंथ रा बढ़ाया दरकार स्ट्रेंथ रा बढ़िले ही से आगु को ट्रांसमिट हेक जाई परिवो से स्ट्रेंथ बढ़ाया पई मु एठी मॉड्यूलेशन करबी। कौन करबी मॉड्यूलेशन करबी। तो मॉड्यूलेशन न मु गोटे भलो नेक्स्ट डिटेल रे मॉड्यूलेशन प्रोसेस टा को बुझे कि आ गोटे वीडियो करबी। आज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन खाली इंट्रोडक्शन टा जानिबा आज केमती कम्युनिकेशन रो सिस्टम केमती कम्युनिकेट हुए। तो होगा बर्तमान इनफॉरमेशन सोर्स होगा इनपुट ट्रांसड्यूसर होगा इनपुट ट्रांसड्यूसर गोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल करदेला जोटा आम कथाटा को सी बर्तमान गोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल करदेला। तापर जो ट्रांसमिटर देखा से भितर गोटे मॉड्यूलेटर अच्छे आ गोटे एम्पलीफायर अच्छे एटा सब भितर मुझे देखे ट्रांसमिटर को आउे भांगिक देखे कौन कौन अच्छे। तो मॉड्यूलेटर ताको मॉड्यूलेट करदेला एम्पलीफायर ताको एम्पलीफाय करदेला एम्पलीफाय करदेला माने ता स्ट्रेंथ रा बढ़ेदेला स्ट्रेंथ बर्तमान बढ़ीगला। तापर चैनल चैनल माने मु जदि तार हम वायर चैनल जदि पवन हम वायरलेस चैनल। तो बर्तमान गोटे स्ट्रेंथ बढ़ी थी सिग्नलटा चैनल देखी जाऊँ माने जो बाट देखी जीव से आम चैनल कहवा। तापर जमी चैनल देखी गलापर एथर सरीगला एथर रिसीविंग साइड आसो रिसीविंग साइड माने जोटि की तुम्हें पठाऊ इनफर्मेसन टा तुम्हें फोन कथ तुम्हें हेल ट्रांसमिटर साइड आउ तुम जहाँ पाक कथा हो जड़े है ट्रांसमिटर साइड जड़े है रिसीवर साइड तुम्हें किसी कौच मैंने तुम्हें ट्रांसमिटर तुम किसी शुणुच मानने तुम्हें रिसीवर। तो फोन रे दुईटाक सिस्टम आम इनबिल्ट अच्छे यहाँ ट्रांसमिट भी करपर आ रिसीव भी करपर जे आट ए टाइम ट्रांसमिट आ रिसीव करपे ट्रांसपोंडर कहते यहाँ भी आम आगे पढ़ा। तो फोन में आम ट्रांसपोंडर अच्छे गोटे छोटिया ट्रांसपोंडर अच्छे आंटीनाटा जोटा से ट्रांसमिट भी करसीव भी करपे। तापर देखो एटा रिसीवर रिसीवर कौन है रिसीवर सिग्नलटा रिसीव होगा किंतु इलेक्ट्रिकल सिग्नलटा रिसीव है आम तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आम कान शुणी पार नहीं
ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟାକୁ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବା? ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲରୁ ଅରିଜିନାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଆଣିବାକୁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସରର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେବି ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର। କ'ଣ ନାଁ ଦେବି? ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସରଟା ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଗେନ୍ ସେ ସିଗ୍ନାଲରୁ ଅରିଜିନାଲ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଯିବି। ତ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରୁ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରିପାରିବି, ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବି, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲରୁ ଅରିଜିନାଲ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ମାଇକ୍ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଯେ ରିସିଭ୍ ବି କରୁଛି ସେ ଫୋନ୍ରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ଅଛି, ଭିତରେ ଇନବିଲ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛି, ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ଅଛି, ତୁମେ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଶୁଣାଯିବ ତୁମ କଥା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ସିଷ୍ଟମ। ତୁମକୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଛଅଟା ବ୍ଲକରେ ଛଅଟା ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, ସେତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିବ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସୋର୍ସ ଲେଖିବ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସୋର୍ସ, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସୋର୍ସ। ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର କିଏ? ନା ଯିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସୋର୍ସକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ କରିଦେବ। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କ'ଣ? ନା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ହେଉଛି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ ମଡ୍ୟୁଲେଟ୍ କରିବ ଆଉ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବ। ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ? ନା ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ ଦେଇକି ଯାଉଛି ସିଗ୍ନାଲଟା। ଏଇଟା ଏୟାର ବି ହୋଇପାରେ ଆଉ ୱେୟାର ବି ହୋଇପାରେ। ୱେୟାର ହେଲେ ୱେୟାର ଲାଇନ୍ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍, ଏୟାର ହେଲେ ୱେୟାରଲେସ୍, ୱେୟାରଲେସ୍ ଆମ ମୋବାଇଲ। ତ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ମଝିରେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଏଜ୍ ଅଛି। ନଏଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ ଚିଟ୍ 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 ବେଳେ ଶୁଭୁଛି, ସେଇଟାକୁ ନଏଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଏଜ୍ ହେବ, ନଏଜ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ପରେ ବି ରିସିଭର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ନଏଜ୍ଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଆମକୁ ଯେମିତି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯିବ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ, ଏତିକି ଜିନିଷରୁ ତୁମେ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ରିସିଭର, ଏ ତିନିଟାର ଡେଫିନେସନ୍ ଭଲସେ ବୁଝି ହେଉଥିବ ଦେଖିବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।